खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के कल आएंगे नतीजे, सुबह 6 बजे से एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज। चुनाव नतीजों से पहले केदारनाथ धाम अपनी पत्नी के साथ पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गिरे पाकिस्तानी मिसाइल के शेल को भारतीय सेना ने नष्ट किया। कश्मीर के त्राल में जाकिर मूसा का वारिस समेत 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक स्कूल इमारत में आग लगी, स्कूल वैन भी जली, आतंकियों पर हमले का शक। जमीन से जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का वायुसेना ने सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी लागू हुई, कल पुलिस की कार्रवाई में 2 की मौत हो गई थी, कई पत्रकार भी घायल हुए थे। अमेरिका में मानवाधिकार कमेटी में पाकिस्तानी पत्रकार फातिमा गुल ने कहा, महिलाओं का धार्मिक उत्पीड़न पाकिस्तान का चरित्र है। अमेरिकी कमेटी में भारतीय पत्रकार आरती टिक्कू भी बोली, 30 साल से दुनिया ने पाकिस्तान के आतंक को नजरअंदाज किया। पाकिस्तानी सिंगर ने मानव बम वाली सुसाइड जैकेट पहनकर पीएम मोदी को दी गीदड़ धमकी, लोगों ने पूछा क्या ये पाकिस्तान की नेशनल ड्रेस है। भारतीय सेना ने म्यांमार की सेना को सिखाए युद्ध लड़ने के गुर, ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया। मिजोरम में भारतीय सेना ने जापानी सेना के साथ मिलकर संयुक्त सेना अभ्यास किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 70 देसी बमों की खेप बरामद हुई, 2 आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक में तेज बारिश के बाद होसुरु गांव में घर ढह गया। कर्नाटक के यादगिरी में नारायणपुर छाया भगवती मंदिर में बारिश के बाद पानी भर गया है। यूपी के नोएडा में सिलेंडर गैस लीक होने से प्राइवेट बस में आग लग गई, बाल बाल बचे यात्री। बिहार के कटिहार में बस ट्रक की टक्कर, बस ड्राइवर और कंडक्टर की मौत, कई घायल। ठाणे में वोट देकर लौट रहे लोगों की नाव नदी में पलटी, हादसे का वीडियो सामने आया, सभी सुरक्षित बचाए गए। इजरायली नेता को बुलाने के विरोध में दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन। ऑनलाइन कॉमर्स कंपनियों से नाराज व्यापारियों ने कानपुर में फ्लिपकार्ट के गोदाम में जबरदस्ती ताला लगा दिया। बेंगलुरु के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ने आत्महत्या की, कॉलेज के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। इंदौर एसटीएफ ने सोने के सिक्कों का लालच देकर लूटने वाले गिरोह को पकड़ा, कीमती सिक्के भी बरामद। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने 5 दुर्लभ उल्लुओं के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जोधपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को पुलिस ने बांटे फूल, नियम मानने की नसीहत दी। दिल्ली में झपटमारों के खिलाफ पुलिस की मुहिम, सुबह कनॉट प्लेस में मुठभेड़ हुई, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के प्रहलादपुर में पति पत्नी की संदिग्ध मौत, पुलिस को शक, पहले पत्नी को मारा फिर सुसाइड की। दंगों से लड़ने की प्रैक्टिस में यूपी की बलिया पुलिस फेल हो गई, आंसू गैस का एक गोला नहीं चला सके जवान। यूपी के कमलेश तिवारी हत्याकांड के दोनों कातिल गुजरात बॉर्डर के पास गिरफ्तार, कमलेश परिवार ने मांगी फांसी की सजा। कमलेश तिवारी की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, 15 बार चाकू मारा गया था, गला भी रेता, एक गोली भी मारी। भ्रष्टाचार केस में जेल में बंद कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार से जेल में मिली सोनिया गांधी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी। झारखंड में विपक्षी पार्टियों में बीजेपी की सेंध, विपक्ष के 6 विधायक बीजेपी में शामिल। दिवाली पर यूपी सरकार का निर्देश, रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे।
हरियाणा की जेल में बंद राम रहीम को जान का खतरा, सुरक्षा बढ़ाने की मांग, बलात्कार केस में सजा काट रहा है राम रहीम। टीम इंडिया के कप्तान रहे सौरभ गांगुली ने आज बीसीसीआई अध्यक्ष का पद संभाला, मीटिंग में शामिल हुए। मुंबई में आईटीसी कंपनी ने दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट लॉन्च की, कीमत 4,30,000 रुपए प्रति किलो।